आज के क्लास में हम एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट सॉल्व करने वाले हैं। तो यही क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.6 सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में है, क्वेश्चन नंबर 1 5 पार्ट वहां भी है। तो इस क्वेश्चन को हम आज सॉल्व करते हैं। पहले हमने इसको रिड्यूस करना है, उसके बाद इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन बनानी है, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करके एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। तो लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो हमें इस क्वेश्चन को पहले कन्वर्ट करना है। मैं इसको फिर दोबारा लिखता हूं यहां पर, और मीन्स मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 7x डिवाइड बाय एक्स वाई, इस एक्स वाई से मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूं 2y डिवाइड बाय एक्स वाई, ये एक्स वाई इन दोनों का डिवाइड है 8x डिवाइड बाय एक्स वाई प्लस 7y डिवाइड बाय एक्स वाई इज इक्वल टू 15। तो फिर जब मैं यहां पर देखता हूं, यहां भी एक्स, यहां भी एक्स, यहां भी वाई, वाई कैंसल, एक्स एक्स वाई वाई, तो हमारा क्वेश्चन बना 7y माइनस 2x इज इक्वल टू 5 एंड 8y प्लस 7x इज इक्वल टू 15। तो यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, ये आप गौर से देख लीजिए, मैं इस 7y को ऐसे भी लिख सकता हूं 7 × 1/y, इस 1/y को मैं पुट करूंगा यू और वी। तो मैं यहां पर लिखता हूं लेट 1/y इज इक्वल टू v एंड 1/x इज इक्वल टू यू। तो हमारा क्वेश्चन बनेगा 7v माइनस 2u इज इक्वल टू 5, 1/x इज इक्वल टू यू, 8v प्लस 7u इज इक्वल टू 15। तो अब हम इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं किसी भी मेथड से, आइदर सब्स्टिट्यूशन मेथड और बाय एलिमिनेशन मेथड और बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो मैं यहां पर इसको एलिमिनेशन मेथड के जरिए से सॉल्व करता हूं, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 7 एंड इक्वेशन सेकंड बाय 2। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको, ये एक बनेगा हमारा 49v माइनस 14u इज इक्वल टू 35। जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं इस 7 से, अब इस 2 से इसको 16v प्लस 14u इज इक्वल टू 30। तो अब यहां पर आप देख लीजिए इस क्वेश्चन में क्या है, यहां पर जो ये सेम टर्म है, ये सेम टर्म इसका साइन अपोजिट है, मैं इन दोनों को ऐड करता हूं, एडिंग इन दो इक्वेशंस को ऐड करता हूं, ऐड में कोई साइन चेंज नहीं होगा, मैंने आपको सिखाया है ऑलरेडी एलिमिनेशन मेथड में, तो वही मैं यूज कर रहा हूं। यहां एक स्टेप कम करके मैं इनको ऐड करता हूं, ऐड करने के बाद हमारा क्वेश्चन बनेगा दिस विल बिकम व्हेन 49 प्लस 16 इज इक्वल टू 65v इज इक्वल टू 65, 30 प्लस दिस v इज इक्वल टू 65 डिवाइड बाय 65 विच इज इक्वल टू 1। इट मीन्स v इज इक्वल टू 1,
put in equation first or second. اب ہم اس کو equation first میں ڈالیں یا second میں, یہ یہاں پر ہمارے پاس ہماری مرضی ہے کس میں ڈالتے ہیں. میں اس کو لکھتا ہوں equation first میں, تو equation first ہے 7v minus 2u is equal to 5. 7v is equal to 1 minus 2u is equal to 5. 7 minus 2u is equal to 5. 7 minus 5 is equal to 2u. میں نے اس کو right side میں لایا, اس کو left میں لایا. یہاں پر 2 is equal to 2u اور u is equal to 2 by 2 that is equal to 1. It means u is also equal to 1. But ہم نے question میں put کیا ہے, یہ دیکھ لیجیے آپ. But u is equal to 1 by x and v is equal to 1 by y. اس کو ہم نے یہاں پر replace کریں گے. But u is equal to 1 by x and v is equal to 1 by y. تو u is equal to 1, it means 1 by x is equal to 1, x is equal to 1, cross multiply. And v is also equal to 1 here. تو 1 by y gives y is equal to 1. It means value of x in this equation is x is equal to 1 and y is equal to 1 is the unique solution of this pair of linear equations.